कहानी रंगे तक खत्म नहीं होती है। जैसे कि नीरज बता रहे थे कि दिस इज द फ्यूचर, जो मुझे भी लगता है दिस इज द फ्यूचर। तो कोई भी चीज़ जो नई शुरू होती है और जो हमको लगता है कि वो बहुत आगे तक जाएगी और दैट इज द फ्यूचर, मुझे उसके साथ जुड़ना पसंद है। तो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट दिस अर्ली एंड दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस। आप गेमिंग भी अगर देखेंगे तो गेमिंग को इतना सिंपल रखा है, वरना हम कुछ हैवी ड्यूटी भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जो गैजेट्स की जरूरत है वो सबके पास है, बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास है। इसलिए गेमिंग भी इतनी सिंपल रखी है कि आप अपने आपके पास जो भी है फ़ोन या जिस पे भी आप आराम से खेल सकते हैं। आज आप देखें तो इवन माय सन स्कूल से छूटते हैं उसके बाद हेडफोन लगा के ऑल द किड्स आर गेमिंग, और पिछले 2-2.5 साल में तो इतना ज़्यादा हो गया ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो दैट इज़ द फ्यूचर, यू कांट चेंज। थैंक यू सो मच। करने का वक्त ही नहीं मिलता। हाँ तो गेमिंग मुझे बहुत पसंद थी, जैसे कि मैंने कहा कि वक्त नहीं मिलता और दिस इज़ द फ्यूचर। पहले भी बहुत सारी गेमिंग आई हैं बट ये पहली बार ऐसे हो रहा है और इट्स जो मेटा उसमें जुड़ते कर रहे हैं कैरेक्टर के साथ जो आपने देखा वो पहली बार होता है। तो जब कोई चीज़ पहली बार होती है तो उसे शायद थोड़ा वक्त लगता है लेकिन पकड़ती है। बहुत सारी गेम्स अभी पहले ये प्ले स्टेशन एक्सबॉक्स इतनी गेम है सब हम खेलते थे, अभी भी खेलते हैं कभी कभी, बड़ा बच्चे ज़्यादा खेलते हैं।